Right. Yes. Good afternoon once again. Right now there was a problem with the date. The last video the date was 5th, but it was wrong. The Tuesday is the 6th, which I have corrected it already tonight now, right? Now just like the previous time, I said about business. Similarly, casual versus casualty. What are the two major difference between the two? Casual. Casual means मैं casual walk पे जा रहा हूँ. I'm going on a casual walk. You ही. कोई official work नहीं, कुछ खास work नहीं. Just you ही जा रहा. Casual walk. Right? आप walk पे कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? Casual work. कुछ डेली का काम कर, कोई खास काम नहीं, यूं ही काम कर रहे हैं. तो वॉक एंड और क्या है? वॉक, वर्क एंड वॉक. कैजुअल वॉक एंड कैजुअल वर्क. ठीक है, तो वो हो गया यूं ही, कोई खास नहीं, कोई ऑफिशियल नहीं. कर रहे हैं, करना है, कहिए ना करना है करिए, अच्छा नहीं लगता है छोड़ दीजिए. कैजुअल, किसी को कोई दबाव प्रेशर नहीं है. तो ये होता है कैजुअलिटी. CASUALTY, कैजुअलिटी. कैजुअल, कैजुअलिटी सुनने में एक टाइप का लगता है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग चीज है. कंफ्यूज ना करें, ठीक है. छोटे छोटे वर्ड आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में होगा, बड़ा मायने होगा उसका. आप उस ढंग से उसको सीखेंगे तो आप एप्लीकेशन सही करेंगे. आपके वर्ड का जो क्लैश होगा, जो दो वर्ड क्लैश कर रहा है, तो नहीं, क्लैश नहीं होना चाहिए. अगर आपके सही ज्ञान हो तो क्लैश नहीं होगा. लगेगा कैजुअल कैजुअलिटी एक ही चीज है. नो, नॉट एट ऑल. कैजुअल है कि कोई स्पेसिफिक काम ना हो, किसी का ऑर्डर ना हो, कोई रूटीन वर्क आपका मैंने ये करना पड़ेगा, कहीं कोई somebody has given instruction, that is nothing like that. You are doing on your own. You may stop it now, you may do it, or only according to your own taste, own wish, आप उसको कर सकते हैं. वो होता है कैजुअल. और वर्सेस कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब होता है ये जो लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है, जैसे अभी रशिया अभी यूक्रेन पर बॉम्बार्डिंग किया है, तो कितनी कैजुअलिटी हुआ, यानी कि कितने लोग मरे. तो ये जो लॉस होता है, कैजुअलिटी सिर्फ आदमी के लाइफ से नहीं होता है, कैजुअलिटी सामान से भी होता है. मैंने क्या कैजुअलिटी हुआ, लोग मरे, सामान बर्बाद हुआ, बिल्डिंग उड़ गए, तो दे आर ऑल कैजुअलिटी, जिससे कि क्षतिग्रस्त हो गया, हानि हो गई, बहुत बड़ी नुकसान हो गया. तो ये होता है कैजुअलिटी. जो नुकसान होना, हानि होना, क्षतिग्रस्त होना, दे आर ऑल कैजुअलिटी. स्पेलिंग क्या है? CASUALTY, कैजुअलिटी. इसको भी वही पढ़ेंगे, कैजुअल, जू 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 नहीं, कैजू कैजुअल, कैजुअलिटी. लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है. ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो हर एक वर्ड इंग्लिश थोड़ी टेढ़ा है, हम मानते हैं. अगर बहुत अच्छे कोई हो, बड़ी सावधानी से आपको पढ़ाए, तो इंग्लिश का आप एकदम बिल्कुल मास्टर बन सकते हैं. इंग्लिश है तो डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन टीचर्स लोग को चाहिए कि बड़ा सिंपल वे में उसको पूरा क्लियर कर दे, डिस्क्राइब करे, समझाए. बच्चों में कोई तरह कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, रगड़ नहीं रहे. दे शुड बी नो, यू नो, एक पर एक ज्ञान है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. नो, आइडिया जो होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर, साफ साफ होना चाहिए. या हमारा जैसे पिछले बार बताए थे बिजीनेस एंड बिजनेस, उसी तरह कैजुअल एंड कैजुअलिटी. अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते में सीखेंगे, आप सीधे जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेंगे, आपका इंग्लिश देखते ही सब चकित हो जाएगा. तो क्या जरूरत है, अगर आप घर में बैठ के अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं, दुनिया के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट? और आप टक्कर ले सकते हैं किसी भी, दुनिया के किसी भी जानकार आदमी से आप टक्कर ले सकते हैं. बट हाँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी. बहुत ईजी तो नहीं है, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है. 2-3 साल 4 साल तो आपको रगड़ के मेहनत कीजिएगा, बाकी 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल जब तक आप
धरती पे जिंदा है, आप बिल्कुल इसके डंकी की चोट पे पैसा कमाइए, नाम कमाइए, शान शौकत कीजिए और एकदम धन उपार्जन कीजिए और हर तरह से आपको एकदम हर तरह का नाम हो, यश हो, सब लोग पहचाने आप इंग्लिश अच्छा है, तो आप इस तरह करके आप शान शौकत बढ़ा सकते हैं, मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, राइट। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी कुछ दिक्कत हो आप लोग लिखेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी। और जैसे लास्ट वाला वीडियो में हम आपको बताए हैं कैसे व्हाट्सएप नंबर या किसी भी नंबर, फिलहाल नंबर सब 10 नंबर के होते हैं, 10 डिजिट के होते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखाएगा 706, ये तीन हो गया, इधर होगा 1258, ये होगा 4 और फिर होगा 276, यानी होगा 3, यानी 3 और 4 7 10, 10 नंबर तो होता है, पहले 3 बीच में 4 इधर 3, एक ही बार सुनेंगे, एक ही बार में कोई बोल रहा है एक ही बार लिखेंगे, आपको लिखने में तकलीफ हो रहा है किसी साथ नंबर पूछते हैं कि अपना फोन नंबर दो, प्लीज गिव मी योर टेलीफोन नंबर, तो रगड़ के बोलेगा तो बोलिए टुक रुक, फर्स्ट गिव मी ओनली 3 डिजिट, पहले मेरा 3 डिजिट बताओ 3 डिजिट क्या है, फिर 4 डिजिट बताओ 4 डिजिट क्या है, और फिर 3 वापस 3 डिजिट क्या है, तो उसको भी सिखाओ, तुम जैसे बोलना चाहोगे वैसे सुनना भी तो चाहोगे, तुम बोलोगे 706 1258 276, अब तुम कोई तुमको बोल रहा है 706 1258 276, क्या लिखे यार, हर बार बोलना पड़े लोगो टीच है, समझाओ उसको, पहले 3 नंबर बोलो थोड़ा रुक के, फिर 4 नंबर बोलो, थोड़ा ब्रेन में एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना, तुम जब बोलोगे 706 तो 706 बोला है ना, अच्छा उसके बाद क्या बोला है 125, अच्छा 1258, तब बोलोगे 276, अच्छा 276, तुम बोलोगे 706 1258, अरे क्या बोले जा रहे हो क्या बोले जा रहे हो, तो ब्रेन को काम करने का टाइम ही तो दोगे ना, तो इसीलिए जैसे तुम बोलोगे दूसरे को भी समझाओगे, बहू रुको या स्टूडेंट रुको या भाई जो भी हो एनीबडी रिलेटेड टू यू, तुम बोलोगे भैया ऐसे करके टेलीफोन नंबर नहीं बोला जाता है, हमको जब कह रहे टेलीफोन नंबर बताओ तो तुम हमको 3 नंबर कह देते 706, अच्छा 706, फिर 1258, अच्छा 1258, और फिर 276, अच्छा 276, एकदम सुनने वाले के लिए भी ठीक है, बोलने वाले को भी ठीक होगा, एनीवे बेस्ट ऑफ लक टू यू, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं सिखाऊंगा जो 70 साल में सीखा हूँ, आप ऐसा ऐसा चीज सिखाऊंगा जिंदगी में बहुत मजा आएगा, इंग्लिश तो आप बहुत पढ़े होंगे, एक से एक गुरु को देख रहे हैं, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का सब गुरु बना बैठा है, गुड लक टू ऑल द गुरुज, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले उन गुरुओं को, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा धीरज से, दिमाग से, पेशेंस से, सोच से, हर तरह से आप इंग्लिश सीखें, किसी को बताए हुए एक चीज पर आप ना दौड़े, आपको उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको ब्रेन के अंदर बसना चाहिए, आई एबल टू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, याद रख रहे हो, आई यू हैविंग कॉल्ड, जो माइंड पे तुम रिटेंशन पावर, याद रखने की शक्ति जो है, तो वो सारी चीज काम करता है इंग्लिश लर्निंग, तो चाहे किसी भी लर्निंग, खास करके तो मैं चूंकि इंग्लिश की बड़ा ये करता हूँ, खिदमत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब कोई मेरे बताए हुए रास्ते में सीखे ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम हो जाए, बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाए, बड़ा जो भी कुछ करे तब तो लगे कि हाँ कितना आराम से इंग्लिश सीख रहे हैं, और इंग्लिश है भी बहुत मजेदार लैंग्वेज है, प्रोवाइडेड यू लर्न द वे आई वॉन्ट टू, उस तरह से आप सीखे जिस ढंग से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुतों को देखता हूँ ये तो समझ में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है, जब हम ही को समझ में नहीं आता है तो बाकी दुनिया को क्या समझ में आएगी, राइट। 70 साल में, हाँ 71 साल में मैं करीब करीब 68-67 ईयर से इंग्लिश कर रहा हूँ, उसको अगर नहीं समझ में आवे तो कल का बच्चा जो एक लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाता है उसको बेचारे का क्या कसूर है, हाउ ही इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड, कैसे उसको तुम कसूरवार उसको ठहरा सकते हो, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ भी बोलूंगा जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, उसके पीछे रीजन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, तर्क बताऊंगा,
अब तक उस पर विश्वास करे तो पढ़े, नहीं तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट, बाय बाय।